करो करो अभी जिनकी शरण में जाते हैं सारे नमन है। आज के महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव पर हम इस वक्त शिव खोड़ी में हैं और समस्त पुंछ के मंदिरों में आपने देखा है कि आज प्रातःकाल से ही बल्कि पिछले एक हफ्ते से जो है मंदिरों को सजाया जा रहा है और आज प्रातःकाल 4 बजे रुद्राभिषेक के बाद जो है समस्त पुंछ के मंदिरों में जो है बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व जो है मनाया जा रहा है। इस शुभ उपलक्ष्य पर सनातन धर्म सभा की तरफ से समस्त पुंछवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन जो है आज का वो दिन है जिस दिन भोले शंकर जो है उन्होंने समुद्र मंथन के पश्चात जो है विष का पान किया और सृष्टि पे होने वाले महाप्रलय को बचाया था। तो मेरा परम पिता परमेश्वर भोले शंकर के चरणों में ये निवेदन है कि देश भर में जो इस समय जो देश के विरुद्ध और जो धर्म के विरुद्ध गतिविधियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए एक बार फिर से उनका आशीर्वाद जो है समस्त देशवासियों को प्राप्त हो। आप देख रहे हो कि ये शिवखोड़ी का धाम इतना दुर्गम स्थान होने के बावजूद भी यहाँ पे पूरा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सुबह 3 बजे से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं। उनका भरपूर इंतजाम यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी की ओर से, हमारी बेल्ट फोर्सेज की ओर से, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया गया है और सबसे बड़ी बात है इतना दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद भी
श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट से नहीं, यहाँ रजौरी से, सुंदरबनी से, जम्मू से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में दो ही शिवखोड़ी है, एक रियासी वाली शिवखोड़ी और एक पूंछ वाली शिवखोड़ी है। यहाँ हमारे स्थान की महत्व इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये जो स्थान है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे है और बेल्ट यहाँ LOC पे है और LOC भी दुर्गम स्थान पे है, वो बड़ी ऊंचाई पे है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।